अच्छा बटी साहब, ये बात मुझे बताएं, अमेरिका का कौन सा सॉफ्ट इमेज है पूरी दुनिया में जो है नक्शे वो तख्ते हुकूमतों के उलटवाते रहे, $1.5 trillion का बारूद इधर बिछा दिया, तो उनसे ना फैटिफ उनसे पूछता है ना सॉफ्ट इमेज पूछता है। कादी साहब, गुंडों की तरह बनाते फिरते हैं। इसमें मैं इमरान खान साहब का तर्जमान नहीं हूँ, मैं आजकल अक्सर तनकीद करता हूँ कुछ लोगों पर, लेकिन ये बहुत आला बातें की हैं यार। फखर करो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, हमें सोच का आयात है। अगर मैं अच्छी अंग्रेजी बोलने से क्या डाकू का डाका जायज हो जाएगा, तो लूटमार जायज हो जाएगी, फ्रॉड जायज हो जाएगा। इस पे चलिए जल्दी से दीजिए फिर। मुझे ठीक है इमरान खान साहब की बात गलत जी, मगर मेरा उनके लिए एक मैसेज ये है कि जब आप फेड के रहमत करम पे देंगे, IMF से 6 बिलियन के लिए जाएंगे, हर महीने बाद मुझे खबर सुनाएंगे सऊदी अरब से पेट्रोल उधार मिल गया, तो कोमो की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनती। कोमो की सेल्फ रिस्पेक्ट इमेज उमेज सारा फ्रॉड है, सारी आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। जितने हम कर्जे लेते हैं, जिस तरह हम मुल्क चलाते हैं, इससे आप सेल्फ रिस्पेक्ट नेशन नहीं बन सकते। ये ठीक बात। अच्छा, ये सारा कसूर इमरान खान का, मुझे मैंने बताया इमरान का तर्जमान नहीं, इमरान के कुछ ब्यूरोक्रेट्सों की करप्शन के किस्से मेरे पास उस दिन अरशद शरीफ ने कहा है, ऐसे ऐसी करप्शन के किस्से हैं मौजूदा हुकूमत के। इमरान है ऑनेस्ट, मैं आपके लोग बात बात पे करदे कैसे उतारे वो इमरान खान, क्या करें 90% आपके लोग इनकम टैक्स नहीं देते। अभी हमने जितने वादे इलेक्शनों में किए थे, हमने वो सारे पूरे कर दिए हैं। 3 साल में हमने 5 साल में पूरे करने थे, हमने 3 साल में पूरे कर दिए हैं। क्यों मलिक साहब, ऐसे लगता है आपको? हाँ जी, 271 तो सिर्फ रेलवे के हाथ से हैं 3 साल में, बहुत अच्छा है। और भी जो अगर तो वादा इनका ये था महंगाई बढ़ानी है, बेरोजगारी बढ़ानी है, बिजली महंगी करनी है, पेट्रोल महंगा करना है, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया को जलील करना है, तो वो सारे वादे पूरे हो गए। मुझे आप एक कामयाबी दिखा दें, एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें पाकिस्तान का 3 साल में। मुझे लाहौर की हालत ही होगी कि यहाँ सड़कें तक नहीं बनती, सफाई आप नहीं कर सके, मतलब एक कहानी नहीं खत्म हो जाएगी। कहानी हम जारी रखेंगे और ये जो इन्होंने वादे किया पूरे हुए हैं या जन्नत बन गया पाकिस्तान। 50 लाख तो नौकरियां देनी थी, अब हालत है कि 1143 नौकरियां आई हैं FIA की, अभी कंटिन्यू है। 13 लाख एप्लीकेंट आ गए हैं, 13 लाख आ गए हैं 1143 एप्लीकेशन के लिए, और अभी ये जारी है। मकान आपने बनाने थे 1 करोड़, ठीक है जी, वो आपने मकान भी नहीं पानी थी। अब इस वक्त 1,10,00,000 पाकिस्तान में काम अपना मकान कम है, और 3.5 लाख आप ऐड करते जा रहे हैं। आपने सबसे पहले ये बात की थी कि हम कर्जा नहीं लेंगे, आप पाकिस्तान की इज्जत के लिए करेंगे, बड़ी अच्छी बात थी। आपने जरदारी ने अपने 5 साल में 10,000 अरब का ना कर्जा लिया, नवाज शरीफ ने 14,000 का लिया, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, आपने 2 साल में 13,000 ले लिया, और इस साल में आपका अपने पिछले साल से 63% कर्जा आपका ज़्यादा। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें आपको बताई हैं, महंगाई की जो शरह पिछले हुकूमत में थी, मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, वो 4 से 5 थी, आप 11 पे ले आए। बेरोज़गारी आपने डबल कर दी, मुझे बता दें आपने वादे सारे पूरे कर दिए, अगर ये आपके वादे थे। अब आप मुझे बता दें कि इसमें क्या पाकिस्तान के लोगों को क्या मिला है? लोगों का एक ही मसला होता है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली है, पेट्रोल है, कोई चीज़ मुझे बता दें। आम आदमी का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है। ये इमरान खान साहब को चाहिए कि लगड़ बगड़ छोड़ के अच्छे बंदे लाएं जो उनसे हट गए। फैक्टर्स में देख के वहाँ यूरेनियम पकड़ा जाता है, ओपन मंडी में बिक रहा है। इसके अलावा जो इस वक्त इंडिया की जो ब्लैक इकॉनमी जो इन्वॉल्व है, 18 से ज़्यादा जो एब्सकॉन्डर हैं उसको बरतानिया पना दे के बैठा हुआ है, सिर्फ एक उनका, हालांकि एक्सटेंडिशन का मुआहदा भी मौजूद है। जितने फ्रॉडिये यहाँ से भागते हैं और ये जो फैटफ हम पे लगाते हैं काले धन को पार करने के, तमाम माशाल्लाह चीज़ें सहूलतें मौजूद है वहाँ पर, और वो हम पे कार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वही आपकी बात कि हम इन फ्रॉडियों की वजह से कर्जे दर सूद दर सूद दर सूद दर वो ले रहे हैं। कई साहब, अगर तो आप समझते दुनिया अखलाक्स में चलती है तो फिर मेरा हमें चोर नहीं बैठे, दुनिया चलती है डंडे से। इंडिया घटिया है, इंडिया अच्छा है, इंडिया बुरा है, गोरे को पता चल गया कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इंडिया को सलाम, इंडिया ने इसीलिए हम पे प्रेशर डाला हुआ है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, दुनिया की कोई कौम हो, मैसेज ये, जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे दुनिया आपको तंग करेगी। $28 trillion लेकिन कल परसों मैं किसी मिनिस्टर का देख रहा था, उस पर हल्का एलिगेशन ले गया, वो रिजाइन चले गया। यहाँ आपके मुल्क पे अपोजिशन लीडर में 25 अरब रुपए की करप्शन का लगता है, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, बेटा कहता है मुझे तो पता ही नहीं। जहाँ आपने करप्शन में तरक्की का मेयार बना लिया, जितना हराम ज्यादा लेता है समझते हैं वो ज्यादा उदों पे फायदे रहेगा। आप ये समझते हैं कि डंडे के साथ ही चलता है? नहीं, देखे दुनिया जो है वो, अगर तो आप समझते अखलाक अच्छाई पर ऐसे नहीं चलती, दुनिया सिर्फ चलती है दुनिया पैसे। मुझे बताए ना, मैं समझता हूँ कि देखे ना, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, आपने 11 जून से लोगों की गैस बंद की एक्सपोर्टर की, और एक्सपोर्टर ये रो रहे हैं, वो अपने बाल नोच रहे हैं कि भाई
322 दिनों में आपने सिर्फ 99 दिन हमें गैस दी है। गैस न होने का मतलब है कि आपके मुल्क में 5 से 10 बिलियन तकरीबन 1200-1300 अरब आप कमाते हैं टैक्स में। जब आपने अपनी इंडस्ट्री को 80 से लेके अब तक इनके हवाले किया है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, यहाँ आपका वापदा $23 बिलियन के सारे प्रोजेक्ट आज के मुताबिक वक्त पे उसने मुकम्मल किए थे, ये किसने किया? गैस के बहरान को आप मामूली ना समझे, आपके मेन बिजनेसमैन कह रहे हैं अगर यही हाल रहा तो हम पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट लेके कहीं और चले जाएंगे। ये पीएम साहब को इसको स्पेशली एड्रेस करना चाहिए और इन खदशात को दूर करना चाहिए। आपका मुल्क जब किया आपकी इंडस्ट्री तबके को आपने, बड़ी साहब मेरा भी सवाल है, जिस तबके को आपने सारी इंडस्ट्री औने पौने में उसके हवाले कर दी, मैं मानता हूं आपकी दुनिया में इखलाकियात 3 करोड़ आप कहते हैं इखलाकियात नहीं, ना माने, जिनको आपने 80% इंडस्ट्री औने पौने में बेच दी, कल आपको वो धमकी दे रहे हैं कि वो ऐसी उठे टूट जावांगे। ये है इनकी नेशनैलिटी, तो ये इनकी कौमियत है, पैसे का कोई मतलब नहीं यार, ना का करे मुझे क्यों निकाला, अगले ने डंडा मार के कट छड़ा, अगर ताकत ही सब कुछ है, पैसे का कोई मतलब नहीं होता, कोई नहीं होता, फिर ना डिफेंड करे, ना डिफेंड ना किया करे, अगर तो ताकत ही असूल है सबसे बड़ा, तो फिर ताकत डंडा चलन दो। कायद साहब गुजारिश ये है, फिर असूलों की बात, करप्शन के खिलाफ आपको क्रॉस दी बोर्ड करना होगा। 40 साल से जियाउल हक 3 तोहफे दे गया, एक नवाज शरीफ, एक हिरवन कलाशन, एक MQM, आप उसको आज तक ये डिसमेंटल ही नहीं कर सके।